साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप बहुत ही आसानी के साथ स्टॉक मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं आज एक किराने की दुकान की। मान लीजिए आपकी एक किराने की दुकान है या किसी भी चीज की दुकान है, तो आप स्टॉक कैसे एक्सेल में मेंटेन करें। मान लीजिए आपकी दुकान का किराने की जो दुकान है उसका नाम है समर किराना स्टोर। समर किराना स्टोर। अब एड्रेस आपका जो है वो है जामताली, जामताली रानीगंज प्रतापगढ़। अब उसके बाद अब यहां पे हमें लिखना है स्टॉक स्टॉक रजिस्टर, या चलिए स्टॉक के लिए लिख देते हैं बस, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे हम बनाते हैं सीरियल नंबर, फिर प्रोडक्ट नेम, फिर प्रोडक्ट नेम के बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट, फिर एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट, फिर एक्सपायरी डेट के बाद एमआरपी, फिर एमआरपी के बाद बना लेते हैं हम लोग सेल प्राइस, सेल प्राइस, फिर उसके बाद यहां पे बना लेते हैं सेल प्राइस हो गया। फिर हम यहां पे एक और फील्ड बनाते हैं जैसे अमाउंट, कितना पैसा हुआ अमाउंट। फिर उसके बाद अगर आप जीएसटी भी पे कर रहे हैं तो आप जीएसटी भी बना सकते हैं। जीएसटी हम आपको इसी में बता देते हैं। जीएसटी छोड़िए, जीएसटी अगले वीडियो में बताएंगे, सभी एक वीडियो में सीख लेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा होगा। तो अमाउंट, और फिर उसके बाद यहां पे बना लेते हैं पे अमाउंट, फिर उसके बाद बैलेंस, फिर यहां पे बनाते हैं क्वांटिटी अमाउंट, सॉरी स्टॉक मेंटेन करना है तो अमाउंट हो गया। फिर उसके बाद यहां पे एक लिख सकते हैं सेल क्वांटिटी, कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है वो लिख लें। फिर उसके बाद यहां पे हम अगला बनाते हैं, जैसे हमारे पास स्टॉक कितना बचा है, स्टॉक। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहां पे इसको मेंटेन करते हैं। किस तरीके से हम इसको मेंटेन करेंगे, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको सेट करते हैं, सेलेक्ट करके मर्जन सेंटर कर ले, फिर यहां पे भी सेलेक्ट करके इसको भी मर्जन सेंटर कर ले, और फिर इसको भी सेलेक्ट करके मर्जन सेंटर कर ले। अब उसके बाद फिर हम इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा या छोटा आप जैसा भी करना चाहें। जैसे प्रोडक्ट का नाम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, क्वांटिटी की साइज थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट, फिर उसके बाद एमआरपी, फिर सेल अमाउंट, सेल क्वांटिटी, और स्टॉक कितना हमारे पास शेष बचा हुआ है। तो ये हमने पूरा मेंटेन कर लिया। अब मेंटेन करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चलिए हम देखते हैं एंट्री कैसे होगी, या आप इसमें थोड़ा बॉर्डर लगा के आप इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए हम इसमें मान लीजिए कि हमको सिर्फ यहाँ तक ही मेंटेन करना है, तो मैं छोटा सा मेंटेन करके आपको दिखाता हूँ। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर कर दिया तो ये चारों तरफ बॉर्डर हो गया। फिर यहाँ बाहर से लेके इनसाइड तक पूरा यहाँ पे हम सेलेक्ट करके, और इसको हम आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं, थोड़ा थिन बॉर्डर लगाएं तो मोटा रहेगा तो अच्छा लगेगा। अब फिर हम इसकी साइज को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे ये जो हमने जो हमारी शॉप का नाम है, शॉप के नाम को थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर लेते हैं।
और इसी तरीके से एड्रेस को भी बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर स्टॉक को हम लोग बोल्ड कर देते हैं, और देन अब यहाँ पे जो ये फील्ड बनी है इस फील्ड की साइज को भी थोड़ा बड़ा करके बोल्ड करके और इसको सेंटर कर लें, तो ये पूरी तरीके से सेट हो गया। बहुत ही आसानी के साथ आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा वन। अब चलिए हम दिखाते हैं क्वांटिटी। अब किराने की दुकान है अगर आपकी, तो मान लीजिए वहां पे आपको बिस्किट मिल रहा है, तो चलिए हम लिखते हैं बिस्किट का नाम ऐसे ही लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक बिस्किट लिख देते हैं 2020, और हमारे पास 100 क्वांटिटी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो मान लीजिए कि 1/6/2023, और एक्सपायरी डेट कब है? एक्सपायरी डेट है 1/6/2026। अब एमआरपी क्या है? एमआरपी 5 रुपए। अब उसके बाद एमआरपी 5 रुपए है, तो अब हमें एक और बनाना है इस पे कि टोटल टोटल स्टॉक, टोटल स्टॉक तो कितना स्टॉक है? टोटल स्टॉक, तो टोटल स्टॉक हमारे पास कितना है? तो अब हम क्या करें, इसका और इसका, तो यहां पे टोटल स्टॉक का गुणा कर लेंगे, सॉरी एमआरपी से नहीं, हमारे पास क्वांटिटी 100 है तो हमें टोटल स्टॉक बनाने की जरूरत नहीं, कि स्टॉक ही तो मेंटेन कर रहे हैं। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, सेल प्राइस। सेल प्राइस तो सेल प्राइस मान लीजिए हमारी 4 रुपए 50 पैसे है, तो 4 रुपए 50 पैसा हमने डाल दिया। अब टोटल कितने अमाउंट का प्रोडक्ट हमारे पास है, तो हम सेल प्राइस से ही अमाउंट निकालेंगे, तो इक्वल फिर क्वांटिटी फिर गुणा कर दें, गुणे के लिए एस्टिक का स्टार का निशान लगेगा और सेल प्राइस। अब जैसे इंटर करेंगे तो हमारे पास कितने अमाउंट का प्रोडक्ट है वो पता चल गया। सेल क्वांटिटी मान लीजिए कि आपने 30 पीस सेल कर दिया, 30 पीस सेल कर दिया, अब आपके पास कितना बचा है, तो आप इक्वल करिए क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी, इंटर करेंगे तो अब आपके पास 70 पीस और बचे हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे इसको ऐसे ड्रैग कर लेना जहां तक आपको एंट्री करनी है क्वांटिटी को, और सॉरी क्वांटिटी को क्वांटिटी जरूरत नहीं है, अमाउंट को जिसपे हमने फार्मूला लगाया है, और ये स्टॉक को। अब दोनों को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ऐसे सेलेक्ट करके नीचे तक यहाँ लेके चले जाते हैं, और इसको भी सेलेक्ट करके ऐसे नीचे तक यहाँ लेके चले जाते हैं। अब उसके बाद जैसे हमको इस हम क्या करते हैं, ए अमाउंट और फिर स्टॉक, ये दोनों को हमने नीचे ला लिया यहां तक। अब हमें बार बार फार्मूला नहीं लगाना होगा। अब मान लीजिए ये 2020 बिस्किट था, तो अब मान लीजिए कि दूसरा प्रोडक्ट जो है हमारा वो क्या है, दूसरा प्रोडक्ट है मान लीजिए पार्ले जी, पार्ले जी, और ये हमारे पास 150 पीस है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 1/9/2022, और एक्सपायरी है 1/8/2025। और यहाँ पे इसका जो एमआरपी है वो 5 रुपए है, और सेल क्वांटिटी यही है, मतलब सेल प्राइस यही है, 4.5 रुपए में ही बेचेंगे, या इसका अगर 4 रुपए 75 पैसा होता है तो आप 4 रुपए 75 पैसा, सॉरी 4 रुपए 75 पैसा हो रहा है तो 4.75 कर दें, तो अपने आप अमाउंट निकल के आ जाएगा। आपने मान लीजिए कि आपने 70 सेल कर दिया, तो अभी आपके पास 80 बचा है। इस तरीके से आप पूरा का पूरा स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी के साथ आपने रिकॉर्ड को सेट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर इसका आप प्रिंट लेना चाहें स्टॉक का, तो आपको जो है फाइल में जाना है, यहां पे आपको प्रिंट पे जाना है,
और प्रिंट पे जाके आप इसको देख सकते हैं, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अब हम सबसे पहले क्या करें, यहां पे चले आए, आपको सेटिंग में पेज सेटअप ऑप्शन मिलेगा इसी में प्रिंट पे। अब यहां पे इसको लैंडस्केप मोड में कर लें और अब आप ओके कर दें, तो ये इस तरीके से एडजस्ट हो गया। तो लेकिन ये पेज काफी बड़ा है तो हम इसको पोर्ट्रेट में ही रहने देते हैं, ताकि हमारे पास चूंकि मैटर हमारा छोटा है तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। हम इसमें लेफ्ट और राइट दोनों के मार्जिन्स को कम कर देंगे। तो आप देखिए अभी आपका थोड़ा बहुत इधर उधर अभी कट रहा होगा, देख लेते हैं बैक होके कि अभी हमारा ये दो दो कॉलम बाहर जा रहा है। तो हम क्या करें, अभी हमारे पास स्पेस है यहाँ पे, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेंगे, तो जिससे क्या होगा कि पूरा का पूरा ये सेट हो जाएगा और हम बहुत ही आसानी के साथ अपने रिकॉर्ड को एकदम परफेक्ट देख सकते हैं और एक से एक जो है पेज में प्रिंट कर सकते हैं, वो भी पोर्ट्रेट पेज में। ये देखें, तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट करके आप अपने जो आपके बॉस हो या जिस अगर आपकी पर्सनल दुकान है तो भाई आप इसका पूरा का पूरा हिसाब रख सकते हैं, कितना प्रोडक्ट बिका, क्या चीजें गई, कितना अभी हमारे पास शेष बचा हुआ है, तो वो सारा का सारा आप यहाँ पे स्टॉक मेंटेन में रख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।